टीम प्रॉपर्टी पर पटना की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और होप सो कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम खड़े हैं गोल्डन आई, जो नोएडा एक्सटेंशन का गोल्डन आई है उसी प्रोजेक्ट का, उसी का कंस्ट्रक्शन अपडेट बता रहा हूँ। सामने जो आप देख रहे हैं वो डी मार्ट है और वहीं से जब लेफ्ट लेंगे तो आप गौर चौक की तरफ चले जाएंगे और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो गोल्डन आई का ये साइड वाला पार्ट है और इसके जस्ट साथ वाला जो देख रहे हैं अम्रपाली का, ये सब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो कि रेडी टू मूव इन हो चुका है। तो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट लेकर के आया हुआ है गोल्डन आई। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में डी मार्ट के जस्ट साथ वाला जो प्रोजेक्ट है वो गोल्डन ग्रैंडी है। ये प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन हो चुका है, बिक चुका है, ऑलमोस्ट सारा लीजिंग हो चुका है। जैसे सामने आप देखेंगे सेवन्थ हेवन का ऑलरेडी है, ऊपर ऑफिस स्पेस है, नीचे दुकानें हैं गोल्डन आई का। तो इसका आज टावर ब्लू जो कि स्टूडियो कम ऑफिस स्पेस की तरह यूज कर सकते हैं आप उसको, उसकी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि किस हिसाब से वो ऑफिस स्पेस या स्टूडियो की तरह आप उसको यूज करके बना करके आप यूज कर सकते हैं। तकरीबन गौर चौक से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है गोल्डन आई का और बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट है। ये साइड का है, फ्रंट का भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि फ्रंट का लुक कैसा है इस गोल्डन आई का। ये जो सामने आप देखेंगे डोमिनोज है, प्रिसीजन ऑप्टिक्स है, लेंस कार्ट है, फिर फ्रंट से आपको डोमिनोज हो गया, फिर मैकडी हो गया, सारी ब्रांड्स इसके अंदर है, सारा ऑलरेडी लीजिंग हो रहा है धीरे धीरे। एक नया ब्रांड मैगी का FYI खुला है। यही स्टूडियो अपार्टमेंट और कम ऑफिस स्पेस है जो कि गोल्डन आई का है द ब्लू के नाम पे, और ये सैंपल है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही स्टूडियो कम ऑफिस स्पेस आप इसको डेकोरेट कर सकते हो, एक तरीके से सैंपल हम लोगों ने बनाया हुआ है कि किस हिसाब से इस ऑफिस स्पेस को आप स्टूडियो कम ऑफिस स्पेस बना सकते हो। ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे वर्किंग स्टेशन बना सकते हैं, ये पैंट्री यानी किचन का पार्ट हो गया, ये आपको स्टूडियो भी बना सकते हैं और साथ में एक ऑफिस स्पेस भी दे सकते हैं, वर्किंग स्टेशन बना सकते हैं, साथ में आपका एक बालकनी का भी एरिया हो गया। और ये पूरा इस हिसाब से डेकोरेट किया गया, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस ऑफिस को किस हिसाब से बना सकते हैं, किस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं। इसके साथ में वॉशरूम भी है जिसमें कि आपको नहाने का और साथ में वॉशरूम का भी एरिया दिखा दिया गया है। ये आपका वॉशरूम का एरिया हो गया और साथ में किचन का भी जो एरिया है वो भी आपका किचन का एरिया है। तो ये दो साइज इसमें अवेलेबल है, 790 और 844 स्क्वायर फुट का। तो अगर कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।